Hello everyone, welcome back to my channel Career Point for You. In this video I'm going to talk about 22 batch. ठीक है, तो इसमें हम दो लैंग्वेज भी यूज कर लेंगे, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड ऑल. तो मैंने बोला चलो मोस्टली जो भी हम मतलब कि रिप्लाई करेंगे, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अनुवाद कर देंगे. यू नो अनुवाद मीन्स एक्सप्लेन. ठीक है, तो लेकिन उससे पहले तो इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू सो आई नीड फ्रॉम योर साइड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यू लाइक. ओके, इफ यू डोंट लाइक देन डजंट मैटर. ओके, जस्ट लीव इट. बट आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो. ठीक है, बाकी कोई वीडियो पसंद भी आती तो लाइक भी जरूर कर देना. बाकी मैं काफी वीडियोस वगैरह लेके आता ही रहता हूँ, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से, चाहे छोटी छोटी अपडेट क्यों ना हो, मैं वीडियो जरूर लाता हूँ. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. काफी बड़ी वीडियो होने वाली है तो वन बाय वन सारा हम डिस्कशन कर लेंगे. व्हाई डिले इन ऑफर लेटर फ्रॉम इन्फोसिस. ओके, सो आई ब्रेक डाउन द व्हाई थ्री रीजंस व्हाई डिले इन इन्फोसिस लेटर. सो फर्स्ट इज यू आर फ्रॉम 22 बैच. जैसे आपको पता है आप 22 बैच वाले हो. ठीक है, तो डिले तक तो बनता ही बनता है. एंड यू आर नॉट इमीडिएट ज्वाइनर. इमीडिएट ज्वाइनर मीन्स कि इफ यू आर फ्रॉम 19, 20 or 21, अगर आप हायर होते हो दे डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑफर लेटर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग. बट इफ यू आर 22 बैच यू स्टिल अपियरिंग इन यूर एग्जाम एंड ऑल, सो दैट्स वाई दे आर डिले. एंड लास्ट पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, येट टू रिसीव योर डिग्री. ओके, तो काफी लोग अब एग्जाम चल रहे होंगे, स्टिल सम पीपल स्टिल आर गोइंग टू अपियर इन एग्जाम, सो दैट्स वाई देर इज अ गैप और डिले वट एवर यू कैन से. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी वन हु आर कमेंटिंग अगेन एंड अगेन कि 2022 का रिजल्ट कब आएगा. ओके, बोलते हैं ओएल कब आएगा, सिलेक्शन मिला गया है, तो मैं बोलता यही हूँ वेट करो, क्योंकि आप 22 बैच हो, यू नीड टू वेट बिकॉज देर आर नॉट एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम वेटिंग. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क और मोस्ट कमेंटिंग क्वेश्चन, वाई 22 बैच नॉट रिसीव्ड ओएल एंड डीओजी टिल नाउ, प्लीज ब्रेक डाउन एंड टेल मी द एक्चुअल रीजन. सो मैंने यहाँ पर देख सकते दो रीजन लिखे हुए हैं कि जो भी आपने इनरोल किया है 4 ईयर डिग्री कोर्स में, सिंपल इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली बात है ना, बीटेक 4 साल की होती है, 2018 से लेकर 20, अगर आप 18 में आपने इनरोल किया होगा 22 में, तो जून 22 तक आप पास आउट कंसीडर नहीं होते हो. जून 22 निकल गया देन यू आर कंसीडर एज अ पास आउट स्टूडेंट. तो जो लोग इन्फोसिस में है ना वो भी ऐसे ही निकले हैं. इवन आप अगर आप प्रीवियस मतलब कि जो पहले 21 बैच वालों के साथ हुआ था तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, जब तक जून या जून निकल गया देन उसके बाद ही उन्हें ऑफर लेटर इन्फोसिस से आने स्टार्ट हो गए हैं, आए थे. लास्ट ईयर का मैं ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. और अगला जो पॉइंट है, बिफोर कंप्लीटिंग योर डिग्री यू गाइज डोंट गेट डीओजी और ओएल. डीओजी मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओएल मीन्स ऑफर लेटर फ्रॉम इन्फोसिस. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी वन हू आर कमेंटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि बताओ बताओ बताओ, तो यही रीजन है और कुछ रीजन नहीं है. ऐसा कुछ नहीं कि जानबूझ के डिले कर रहे हैं, रीजन यही है. ठीक है, देन अगला क्वेश्चन क्या होता है कि अगर अब हमें ऑफर लेटर आता है तो क्या होता है. देखो, सो देयर आर अ सिचुएशन नाउ डेज इन व्हाट इन्फोसिस डूइंग, दे आर डूइंग हाइब्रिड ट्रेनिंग. हाइब्रिड ट्रेनिंग मीन्स 1.5 मंथ दे आर डूइंग ऑनलाइन ट्रेनिंग. लाइक इफ यू आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड दे आर आई थिंक टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज 2.5 मंथ है ना, तो दे ओनली कॉल यू फॉर मैसूर कैंपस वन यू हैव टू अपियर इन एफएस. ओके, बिफोर दैट यू हैव टू जस्ट अटेंड योर होल ऑनलाइन ट्रेनिंग इफ यू आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड. ओके, बट अगर ऐसा होता मतलब 2022 बैच वालों के लिए सेम सिनेरियो ही होगा. मैंने जैसे आपको बताया या यहाँ भी देख सकते हो कि आपका जो सीन है ना खत्म होगा जून, मतलब की जुलाई से आपको ऑफर लेटर वगैरह आने स्टार्ट होंगे. इससे पहले यार लिख लो, ये साइन कर लो, वीडियो देख लो आप, इससे आप सेव करके रख लो. यही सिनेरियो हुआ होगा, नहीं हुआ ना तो आप बोलना. ठीक है, तो ये हाइब्रिड ट्रेनिंग ही चलेगी. अभी भी जितने भी प्रीवियस बैच हुए ना तो मोस्टली यही सीन हुआ है. ठीक है, चाहे वो मार्च में ज्वाइन हुए हो, चाहे वो फरवरी में हुए हो, ठीक है, चाहे अभी रिसेंटली जो जून में ज्वाइन हुए, सेम आर गोइंग टू मतलब की सभी का सिनेरियो सेम ही हाइब्रिड ट्रेनिंग. ठीक है, तो अब तो अगला ये वाला क्वेश्चन, एज वी टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस ईयर 21 बैच. ठीक है, तो देन जुलाई और सितंबर के बीच लाइक
एंड आई ऑलरेडी मेंशन कि यू गाइस गोइंग टू पास आउट इन जून 2022, तो जून 22 के बाद ही आपको ऑफर लेटर जो भी सिनेरियो आपका उसी के बाद ही होगा। उस देख लो जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन मंथ याद रख लो, इन तीन मंथ के अंदर ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा। इससे पहले अगर आ गया तब मुझे बोलना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के ऊपर ना मैंने कल वीडियो ही बनाई थी कि काफी लोगों को दो बार आ गया सिलेक्शन मेल, तीन बार आ गया, 22 बैच वाले हैं, कैसा क्यों हो रहा है। सो आई थिंक मे बी देयर आई रोड थ्री लाइक रीजंस और थ्री सिनेरियो, मे बी बाय सिस्टम ग्लिच, मे बी बाय मिस्टेक और मे बी बाय अदर रीजंस आल्सो। ओके, तो इनके अलावा और कोई कुछ रीजन नहीं होगा, ठीक है। अगर बार बार आ भी रहा है ऐसा तो है नहीं कि आपको क्या बोलते हैं रिजेक्शन मेल आ रहा है, सिलेक्शन मेल ही आ रहा है, ऑब्वियसली आपको ऑफर लेटर ही इन फ्यूचर मिलने वाला है, ठीक है। और हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है, तो हाँ, व्हाट लैंग्वेज यू नीड टू लर्न बिफोर यू आर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो एज फार एज माई नॉलेज जावा तो हमेशा अपर हैंड रही है, और रिसेंट टाइम में चाहे आप क्या बोलते हैं कोई भी बैकग्राउंड से हो, जावा आप थोड़ी ना बोलते हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि ये ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले चाहे जो भी लैंग्वेज आपको मिले, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या बोलते हैं आरडीएमएस डेटाबेस और जावा, ये तो आपको 100% ही आपको सिखाने वाले। और एक और बात बता दूं, दे गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स ओनली विद इन 2 वीक्स, समझ सकते हो, बस और बस 2 हफ्ते में, मतलब कि डेज में काउंट करो, ऐसा नहीं कि वीक में, मतलब कि मान लो 7 से 8 दिनों के अंदर आपकी जावा हो जाएगी और 4-5 दिनों के आरडीएमएस खत्म, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कम है तो यार वो कुछ नहीं करेंगे, आपको लगता है ना कि हाँ 2.5 महीने की ट्रेनिंग है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो ना तो आपको यही बोलेंगे यू डेफिनेटली नो दिस टॉपिक सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस, तो ये वाली लाइन बहुत बार आने वाली है, एक नहीं 10 बार आएगी। तो मैं अभी से ही बोल रहा हूँ आपको, चाहे अगर आप 22 बैच वाले हो तो जावा और आरडीएमएस रट लो नहीं, मतलब अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लो, ठीक है। और अगली बात क्या आती है, अगली बात क्या, कोई भी बात नहीं रहेगी, मैंने हर एक को जो आपके जे ब्रेक डाउन करके कि डिले क्या क्यों हो रहा है, रिसीव क्यों नहीं किया है, ट्रेनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ट्वाइस ऑफर लेटर मिला है, लैंग्वेज कौन सी सीखे, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो रहे हैं अभी तक। तो मैंने दोनों लैंग्वेज में ट्राई करने की कोशिश किया, मतलब कि हिंदी इंग्लिश इंग्लिश के बोलते हिंदी और इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल सम पीपल आस्क कि प्लीज ब्रो मेक वीडियो इन इंग्लिश वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट कमेंट अंडर दैट वीडियो आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू डेफिनेटली, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, आई कवर ईच एंड एवरी aspect whatever you ask in previous time, okay. So that's all about this video. If you like this video, do like and also subscribe my channel and press bell icon for future video notifications, okay. Milte hain aapko next video mein naye topic ke sath. Thank you so much for watching, have a nice day, bye bye.